हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, बहुत इंतजार था जिस वीडियो का आप लोग का, रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किरण प्रकाशकीय एवं प्रकाशिक यंत्र। बहुत से न्यूमेरिकल हैं इसमें, 35 के आसपास न्यूमेरिकल हैं और सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रे ऑप्टिक्स एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको 2-3 पार्ट में आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में तो कई घंटे का क्लास हो जाएगा ये, तो पार्ट पार्ट में हम आपको इसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात किरण प्रकाशकीय के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो मैं आपको पहले शेयर कर लूँ। पहली बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही कि आप चैप्टर को पहले अच्छे से रिवाइज कर लो। यदि आपने चैप्टर अच्छा रिविजन नहीं किया है, पूरे फार्मूले आपको याद नहीं है, तो आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर के लिए है वो ये है कि आपको चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपर लगाना आना चाहिए कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, टूअर्ड्स द इंसिडेंट डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट आपतित किरण के विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक, अप साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, डाउन साइड निगेटिव। ये सब मैं खैर क्वेश्चन कराते समय आपको बताऊंगा, तो ये चिन्ह परिपाटी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप चिन्ह परिपाटी ढंग से तैयार नहीं करेंगे, कोई न्यूमेरिकल का आपका सही आंसर नहीं आने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कुछ साइन कास टेन के ऐसे एंगल यूज होंगे जिनका वैल्यू आपको पता नहीं होता। हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह के वैल्यूज हमको याद होते हैं, लेकिन मैं कहीं पर साइन 35, साइन 40, इनका वैल्यू हमको पता नहीं होता। तो इसके दो तरीके हैं आपके पास। पहला तो ये कि आपको साइन टेबल देखना आना चाहिए, साइन टेबल से आप उसको बनाओगे, बाकी उसका वैल्यू तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे हो सर एग्जाम में कैसे करेंगे, तो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो रिलेटेड वैल्यू है साइड में दे देगा, बोर्ड में भी साइड में दे देगा, या आपको साइन टेबल प्रोवाइड कराया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जनरली जैसे लॉग टेबल प्रोवाइड कराते हैं, साइन टेबल प्रोवाइड कराते हैं, तो ये जनरली मतलब उससे हम निकाल लेते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। तो उनको तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझा दूंगा, लेकिन उनको ध्यान रखना, आपको साइन टेबल वगैरह देखना आता होगा, नहीं आता तो एक आध वीडियो में उसको समझा दूंगा आपको, अभी तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, अभी तो मैं आपको बता दूंगा इस तरह से। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सबको आप पता है मैं एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल को पहले कला रहा हूँ। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए। पर्दे को रखा जाए कहने का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, पर्दे में बनेगा, कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए, तो आंसर के बाद हमको पता चल जाता है कि वास्तविक है क्या, भासी है क्या, है सब हम डिस्कस करेंगे। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। लास्ट में पूछ रहा है कि यदि मोमबत्ती को हम पर्दे के तरफ ले जाएं तो हमको किधर दर्पण को हटाना पड़ेगा। ओके, ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग को पता है कि मैं जो न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फिजिक्स का बाइलिंगुअल करा रहा हूँ, ताकि मेरे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट एक ही क्लास से उसको पढ़ सकें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो बाइलिंगुअल ही होता है मेरा, ये स्टेटमेंट भी मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है। ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑब्टेन ए शार्प इमेज, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। वैसे मेरा आपको हमेशा सजेशन है कि जब भी आप मेरे न्यूमेरिकल्स का क्लास लेते हो तो आपके पास एनसीईआरटी का बुक सामने हो, रफ कॉपी लेके बैठे हो तो बहुत बेटर है। वैसे मैंने बहुत मेहनत करके सब स्टेटमेंट आपके लिए तैयार करता हूँ, और उसको ताकि यदि किसी के पास एनसीईआरटी का बुक ना हो तो यहाँ से लिख सके वो, और हो तो बेटर है। चलिए तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझने की बात करना क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कि गिवन क्या है। हमारा पहला काम है गिवन लिखना कि क्वेश्चन में क्या हमको दिया हुआ है। ओके, मैंने हमेशा आपको बताया है कि सबसे पहले क्या लिखो, गिवन लिखो। तो क्या दिया है, 2.5 सेंटीमीटर साइज, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो ओ इक्वल टू हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण से, कॉनकेव मिरर है इस तरह से, यदि हम सिंबॉलिक फिगर बनाना चाहें तो ऐसा फिगर बना सकते हैं अपन। देखो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, दैट मीन्स f इक्वल 18 सेंटीमीटर, क्योंकि f इक्वल होता है r by 2, ये आपको पता है। अब इसके आप साइन भी लिखते जाओ तो 2.5 तो वस्तु तो ऊपर होगा, पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, इसको इस साइड में होता है तो ये निगेटिव होता है, ये माइनस 18 होगा विथ साइन। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना आप इस चैप्टर में, कि जो वैल्यू गिवन होगा, जिसका मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो वैल्यू आप चिन्ह परिपाटी के साथ में भरो, लेकिन जिस वैल्यू को आपको ज्ञात करना है, जो फाइंड करना है, उसमें कोई परिपाटी नहीं लगाना है, वो अपना चिन्ह आंसर में खुद लेके आ जाएगा। वो रियल रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, वर्चुअल रहेगा, जैसा रहेगा, अपना चिन्ह अपने आंसर के साथ में वो ले आएगा, ठीक है। तो उसका साइन आपको नहीं लिखना है। किसी अवतल दर्पण 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, मतलब u इक्वल टू माइनस 27 सेंटीमीटर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि वस्तु की जो दूरी, u का मान हमेशा निगेटिव होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, दर्पण में u का मान हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा क्या रखा जाता है, इसके बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है, दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, तो वो तो हमेशा निगेटिव, u इज ऑलवेज निगेटिव। वी कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव हो सकता है कंडीशन के साथ में, लेकिन यू इज ऑलवेज निगेटिव। इसकी फोकस दूरी भी इधर है तो निगेटिव होगा। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, ठीक है। चलिए, तो अब इसको, ये फिगर का तो कोई मतलब नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। तो सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं यहां पर, किसका, मिरर इक्वेशन, 1/f इक्वल, चूंकि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दैट इंप्लाइज, अब वैल्यू को हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1/18। ये हमको ज्ञात करना है, भी क्वेश्चन में बोला है कि कितनी दूर पर्दे से, कितनी दूरी पर, मतलब यहाँ पर आप क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो किसी कितनी दूरी पर, दैट मीन्स आपको क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, और ये u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस 1/27। दैट इंप्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो इसको इधर ट्रांसफर कर लें, 1/v इक्वल टू माइनस 1/18 प्लस 1/27, ओके। दैट इंप्लाइज 1/v इक्वल टू, अब हमको 27 और 18 का एलसीएम चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 54, इसका एलसीएम आ जाएगा 54, क्लियर। तो 18 × 3 = 18 × 54, ये हो जाएगा -3 प्लस 27 × 2 = 54, 27 × 2 = 54, तो कितना आएगा, 2। दैट इंप्लाइज 1/v इक्वल टू, यहाँ से -1/54, देयरफॉर v इक्वल टू -54, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये पहला आंसर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस होना चाहिए, -54 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, और इसका मतलब क्या हुआ, ये इमेज वो इधर, मैंने पर्दे को कितना डिस्टेंस में होना चाहिए ऑब्जेक्ट से, -54 सेंटीमीटर, माइनस मतलब वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या है, निगेटिव, मतलब दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इमेज हमको निकालना है। देखो तो फार्मूला हमको पता है, यहाँ मैं साइड में बना दूँ उसको, एक साथ बनाने से क्या होता है, उसको आपको समझ में प्रॉपर ढंग से आता है, दूसरे कलर को सेलेक्ट करके बना दूँ। देखो सेकंड पार्ट, चूंकि m इक्वल टू होता है i/o, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और इक्वल टू होता है -v/u, ये क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन का फार्मूला है।
दैट इंप्लाइज, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो आई हमको फाइंड करना है, ये आई और ओ ऑब्जेक्ट का हमको साइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5, ये 2.5 क्वेश्चन में आप पढ़ लेना 2.5 दिया हुआ है, और माइनस भी हमने अभी क्या निकाला ये 54, तो हो जाएगा माइनस 54 और अपान यू, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस में है बोला था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 27, अभी हमने क्वेश्चन में पुट किया है माइनस 27, दैट इंप्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें आई अपान 2.5 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस 2 जा तो माइनस 2, देयर फॉर आई इक्वल टू उसको उधर ट्रांसफर कर दें माइनस 2 इंटू 2.5 दैट इज माइनस 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो माइनस क्या शो करता है, इमेज का साइज माइनस 5 होना चाहिए, मतलब मैग्निफिकेशन हो रहा है, बड़ा बन रहा है, और माइनस का मतलब जब इमेज क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, जैसे ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के नीचे जब प्रतिबिंब बनता है तभी वो निगेटिव होता है, ऊपर तो पॉजिटिव होता है और नीचे बनता है वो हमेशा क्या होता है उल्टा होता है, दैट मीन्स जो निगेटिव इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है रियल होता है, यह वास्तविक होता है, इसको हमेशा आप ध्यान रखो। जो ऋणात्मक आपको इमेज मिलेगा निगेटिव मिलेगा वो रियल होगा, और यदि वो पॉजिटिव मिले तो वो क्या होता है वर्चुअल होता है, आभासी होता है, तो ऋणात्मक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा, क्लियर, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है। ये है क्वेश्चन में पूछा है कि पर्दे को क्या करना चाहिए, तो पर्दे को माइनस 54 सेंटीमीटर पर है, यदि हम दर्पण को पर्दे से दूर लेके जाएं तो पर्दे के लिए कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर है दर्पण का नेचर है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर जाता है तो प्रतिबिंब क्या होता है दर्पण से दूर होता है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर जाता है तो प्रतिबिंब दूर होता है, और जैसे जैसे वस्तु मिरर से दूर जाता है तो प्रतिबिंब पास आता है, ये नेचर को आप ध्यान में रखो। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल्स, वैसे किसी भी चैप्टर की बात हो, न्यूमेरिकल आपको अच्छा करना है तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हम मिरर के और लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके जो 6 पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इमेज कहाँ बनता है, कैसा उसका नेचर है, कब रियल बनता है, कब वर्चुअल बनता है, ये पूरे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से कमांड होना चाहिए। ये सब मैंने अपने क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग जब न्यूमेरिकल का वीडियो देखते हो तो उसके पहले ये बहुत अच्छा है, रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का, तो सबसे पहले क्या करो उसके पहले वाले चैप्टर को आप रिवाइज़ कर लो, उस चैप्टर को पहले रिवाइज़ करने के बाद न्यूमेरिकल में एंट्री करो, दो फायदे हैं, एक तो चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और दूसरा क्या होगा न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब इसको मैं एक साथ क्लोज कर दूँ आपको। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, वो सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए, क्या होता जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं वर्णन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ दर्पण चेंज हो गया, वहाँ पर अवतल था यहाँ पर उतल है, ठीक है, और क्वेश्चन तो उसी तरह का है। ए 4.5 सेंटीमीटर नीडिल इज प्लस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडिल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। ओके, क्वेश्चन समझ गए होगे, मिरर बस अलग है, देखो हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख लें, क्या क्या गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर साइज की सुई, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4.5 सेंटीमीटर, इसको जीरो नहीं समझ लेना ना, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना अवतल का निगेटिव होता है, अभी हमने निगेटिव लिया था, और उत्तल का पॉजिटिव होता है, तो 15 पॉजिटिव रहेगा, फिर पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होता, फिर भी समझाने के लिए मैंने लिख दिया। इसके बाद किस 12 सेंटीमीटर दूर रखी प्रतिबिंब की स्थिति, तो यू का वैल्यू दिया हुआ है, और यू तो हमेशा माइनस होगा, यू के बारे में सोचना ही नहीं है, जैसे यू मिला माइनस कर दो उसको, तो वी फाइंड करना है, यह वी फाइंड करना है,
और उसका आवर्धन लिखिए, मतलब उसका एम भी हमको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करके वो ज्ञात करना है। चलो ठीक, सॉल्व करें फिर। सबसे पहले फार्मूला, सिंस 1/f = 1/v। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर भी हैं इसमें, लेकिन मैं पूरे 100% कराता हूं करके छोड़ नहीं रहा हूं, पूरे जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन उन्हीं को बस मैं स्किप करता हूं, बाकी आपको पूरे बता रहा हूं। 1/f ये हो जाएगा 1/15 = 1/v और -1/12, दैट इम्प्लाइज 1/v = इधर ट्रांसफर कर लो, 1/15 + 1/12 दैट इम्प्लाइज 1/v = यहाँ 60 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 + 5, ओके दैट इम्प्लाइज 1/v = 9/60 कैंसल आउट हो जाएगा, तो देयर फोर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं v = 3 × 3 = 320, ये हो जाएगा 20/3, देयर फोर v = ये मैं डिवाइड कर लूँ 20/3 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर, ये हो गया v का पोजीशन, आंसर नंबर फर्स्ट। ये v का पोजीशन सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इसके बाद क्या पूछा अपने, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अपन लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कहे का वैल्यू पूछा है, इमेज का, या इमेज का पूछा है ना, कितना बड़ा बन जाएगा, प्रतिबिंब बोला है, मतलब आई पूछ रहे हैं, आई हमको फाइंड करना है, ये दोनों वैल्यू फाइंड करना है। तो एक आंसर हमने निकाल लिया 6.7। अब सिंस m = i/o = -v/o, सेम क्वेश्चन है, केवल मिरर बदला है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन की एक खासियत है कि वो सब तरह के क्वेश्चन को, जैसे आपने अवतल बनाया तो एक उतल भी बना लो। आई अपान ओ, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 4.5, 4.5 = v माइनस वैल्यू ऑफ v, ये हमने निकाला है v का वैल्यू 6.7 और अपान u का वैल्यू -12, दैट इम्प्लाइज i = -1 + हो जाएगा 6.7 × 4.5/12, ये -×-+ हो गया, दैट इक्वल, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, आप लोग इस तरह से मैनुअल सॉल्व कर लो, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, ये हो जाएगा 6.7 × 12 = 4.5 × 2.5 i = 2.5 सेंटीमीटर, और प्लस होने का क्या मतलब है, प्लस आया मतलब कैसे बन रहा है, वो ऊपर बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर, और जब मुख्य अक्ष ऊपर बन रहा है तो नेचुरली क्या होगा, वो आभासी होगा, आभासी और सीधा होगा, क्योंकि सीधा होगा तभी तो उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब सीधा, ये आंसर याद रखना, ठीक है, आभासी और सीधा, ये सब आप चैप्टर। तो देखो ये आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस तरह से बस वैल्यू पुट अप किया जा रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ये भी मिस्टेक हो जाते हैं ना, आप प्रकाश का जो चैप्टर है या पूरा उसको न्यूमेरिकल्स है पढ़ने में इजी लगता है, लेकिन मिस्टेक होने का बहुत चांस है, क्योंकि जैसे आपने चिन्ह परिपाटी ये सब बराबर नहीं लगाया कि जैसे कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, तो फिर गया, फिर तो आंसर ही गलत आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा केयरफुली वर्क करोगे, तो पहला कैलकुलेशन ये और दूसरा कैलकुलेशन ये, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है, मतलब 12.5 सेंटीमीटर तक उसमें टंकी है, कोई भी वाटर उसमें भरा हुआ है, किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई, हाईलाइट कर दूं एक बार में, ये क्या है, ये क्या है इसका अपेरेंट डेप्थ, जिसको हम एच डैश बोलते हैं, ये है, ये उसका वास्तविक ऊंचाई है, जल का अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ पर पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं आगे मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के किसी अन्य द्रव को प्रतिस्थापित कर दे, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, खासकर नीट वगैरह के लेवल का क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई में तो थोड़ा सा
स्टैंडर्ड अलग होता है, के प्रतिस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडिल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाई ए माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाई ए लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, बाई व्हाट डिस्टेंस शुड बी द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द नीडिल अगेन। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। पहले क्या बोला है कि उस टैंक में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा है, ऑब्जेक्ट कहीं पर है, वो अपने स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, आपने आभासी और वास्तविक गहराई में पढ़ा है। अब उसका अपवर्तनांक ज्ञात करो बोलता है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है कि वहाँ से हम उस लिक्विड को डिस्प्लेस कर दें, हटा दें, और हटाने के बाद वहाँ पर दूसरा लिक्विड भर दें पानी की जगह, जिसका हमको अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.63। तो बोलता है कि उसके लिए माइक्रोस्कोप को हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्योंकि उसका आभासी ऊंचाई बदल जाएगा, पहले अलग था अब दूसरा हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, पहले के आभासी ऊंचाई में बाद में आभासी ऊंचाई को अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो ये निकल जाएगा कि हमको अपने माइक्रोस्कोप को कितना विस्थापित करना चाहिए। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं हमेशा आप लोग को ये बात बोलता हूँ कि यदि आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी न्यूमेरिकल्स ऑफ द एनसीईआरटी होना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम को तैयारी करें, एनी वन, क्योंकि एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, रिफरेंस है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत से एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के बुक से, इसलिए आपको करना ही है उसको, और बोर्ड के लिए तो करना ही है। चलिए, तो दोनों कंडीशन में हम अलग अलग सॉल्व करें इसको। फर्स्ट कंडीशन में गिवन तो हम लिख ही लें, पहला हमारा काम न्यूमेरिकल बनाना, मतलब सबसे पहले गिवन लिखना। तो इसका टैंक का हाइट दिया है, माने वास्तव में ये क्या है, वास्तविक ऊंचाई है 12.5 सेंटीमीटर, ये उसकी वास्तविक ऊंचाई है। फिर आभासी ऊंचाई दिया है एच डेस 9.4 सेंटीमीटर। थोड़ा कैलकुलेशन का आप स्पीड को अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या है, मैं तो कैलकुलेटर से करके आपको आंसर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करने में टाइम भी लगेगा और हमारी उतनी प्रैक्टिस होती नहीं, एग्जाम हमको देना नहीं है। लेकिन आप लोग मैनुअली उसको बहुत फास्ट कैलकुलेट किया करो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो टाइम टेकन वर्क है, यदि आप उसमें ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा, इसलिए आप गुणा भाग जो भी होता है आप तेज़ी से करिए, हम तो ऐसे निकाल के बता देते हैं आपको। हमारा काम क्वेश्चन को समझाना है आपको, पहले कैलकुलेशन, आप स्पीड अपनी बढ़ाओ। तो पहला हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू हमको फाइंड करना है पहले कंडीशन के लिए। ये पहले कंडीशन की बात हो रही है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ, देखो सेकंड कंडीशन में बोला है कि लिक्विड को चेंज कर दिए तो हाइट तो वही रहेगा, कैपिटल एस तो वही रहेगा, सेकंड कंडीशन के लिए भी 12.5 सेंटीमीटर रहेगा, और उसका जो एच डैश है ये हमको निकालना है। सेकंड कंडीशन के लिए एच डैश हमको फाइंड करना है, और म्यू हमको सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है 1.63। देखो दोनों कंडीशन की बात को ध्यान समझना, पहले कंडीशन में एच और एच डैश दिया है, म्यू फाइंड करना है, दूसरे कंडीशन में एच और म्यू दिया है, एच डैश फाइंड करना है, या इसको मैं एच डबल डैश कह देता हूँ, ये फाइंड करना है, और बाद में दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे, जिसमें हम उसको टेलीस्कोप को, माइक्रोस्कोप को मतलब एडजस्ट करेंगे, वो इसमें से इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अपन सॉल्व करते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए। फॉर फर्स्ट, तो ये गिवन के अकॉर्डिंग अपने को जो आभासी और वास्तविक गहराई का जो हाइट का फार्मूला है क्या होता है, म्यू इक्वल टू डब्लू, वाटर दिया है ना, तो ये लिख दिया मैंने एम यू डब्लू इक्वल टू होता है एच अपान एच डैश, एच अपान एच डैश, ये फार्मूला है एच अपान एच डैश। तो एच का वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, 12.5, ये हो गया 12.5 और अपान 9.4, 12.5 में 9.4 मैं डिवाइड कर दूं, देखिए आप लोग भी करिए कितना आ जाएगा, 12 अपान 9.4 1.33, ये आ गया 1.33, दिस इज द आंसर, पहला आंसर, ये पहला आंसर हो गया 12.33, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर में क्या बोला है, म्यू के लिए अगेन अपन सॉल्व करें उसको, कलर चेंज कर देता हूं मैं इसके लिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन में दिखेगा, है ना।
सेकंड नंबर कंडीशन में, सेकंड नंबर कंडीशन में म्यू इक्वल टू यही फार्मूला हम लगाएंगे एच अपॉन एच डैश, तो म्यू का वैल्यू दिया है 1.33 इक्वल एच, एच तो वही होगा 12.5 अपॉन एच डैश, देयरफॉर एच डैश इक्वल 12.5 अपॉन 1.33 दैट इक्वल, डिवाइड करो 12.5 अपॉन 1.63 अपवर्तनांक दिया है ना, 1.63, अच्छा इसके धोखे में लिख दिया मैं, ये तो दिया है 1.63 ये गिवन, डिवाइड करें दूसरा आंसर आ जाता है, तो ये H डैश हो जाएगा सेंटीमीटर जो भी है। अब देखो पहले कंडीशन में वो इतने गहराई में दिखता था और दूसरे कंडीशन में इतनी गहराई में दिखता था, तो अब जो उसको देख रहा है तो उसको अपने माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा इससे, तो कितना डिफरेंस, कितना और खिसकाना पड़ेगा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा डिफरेंस निकालेंगे, देयरफॉर इनका जो डिफरेंस होगा d इक्वल टू हो जाएगा 9.4 माइनस 7.67 दैट इक्वल, माइनस करो 1.73 सेंटीमीटर, मतलब अपने माइक्रोस्कोप को कितना खिसकाना पड़ेगा उसको 1.73 सेंटीमीटर और खिसकाना पड़ेगा, ये बोले ना, व्हाट डिस्टेंस वुड बी माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड, दैट इज 1.73 सेंटीमीटर, 1.73 सेंटीमीटर और मूव करेगा तो वो उसको भी देखने लगेगा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 9.3 मतलब थर्ड नंबर का क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, इसको अच्छे से तैयार करना, ओके ये स्टेटमेंट यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक ना हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और मेरा सजेशन है इसका आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ एक फिगर दिया हुआ है 9.34 फिगर, ये इसमें देखो ये तीन फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चित्र ए तथा बी में किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है जो वायु में क्रमशः कांच वायु तथा जल वायु अंतरापृष्ठ, ये कांच वायु, कांच से कहाँ जा रहा है, कांच और वायु का है, ये वायु और जल का है, और इसके बाद फिर जल और कांच के लिए हमको फाइंड करना है, ये वाला वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ध्यान रखना ये फाइंड करने वाला एंगल है ये, और यहाँ पर दोनों में आपको क्यों, इसी क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा था कि 35 डिग्री 60 डिग्री आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बाय द वे फिगर हमने एनसीईआरटी की बुक से लिया है तो आप अपने बुक से कंसल्ट कर लीजिए, वैसे जूम करिए तो आपको दिखेगा वो, तो चित्र पर बेस्ट है, तो कौन कोण ज्ञात कीजिए जो कांच में जल कांच अंतरापृष्ठ के अभिलंब के कोण बनाए, मतलब सीधी सी बात है इसके और इसके हेल्प से यहाँ के कोण को आपको क्या करना है फाइंड करना है, ओके ये क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, ये तीन कंडीशन में अपन बात करेंगे, तो हमको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा सब में, ये क्वेश्चन रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर रिलेशन पर है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव, जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ध्यान रखना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो इसको और इसको हेल्प से हम एयर से कहाँ जा रहे हैं, ग्लास में जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक कैलकुलेशन तो आगे कर देता हूँ, मैं आगे कैलकुलेशन करते जाता हूँ, ध्यान देना है, पहला कैलकुलेशन फर्स्ट फिगर के लिए, फॉर फिगर ए, ए है तो मैं भी एक ए लिख दूँ, चलो ठीक फिगर ए नाम है उसका, तो ए फिगर के लिए लाइट को देखो, एयर से ग्लास में जा रहा है, तो ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री, ये प्रॉब्लम आ गया ना जिसके बारे में बात किया था मैं,
साइंस 60 डिग्री तो आप लिख लोगे, आपको पता है 60 अंश का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो √3/2 ये आप लिख लिए, मतलब 1.7 डेसिमल में सीधा इसके वैल्यू को साइन टेबल से लिखना पड़ेगा। अब इतना कहाँ आप डिवाइड करते रहो, तो साइन टेबल यहाँ पर देखना पड़ेगा, या क्वेश्चन में दिया रहेगा 35 का वैल्यू, तो मैं तो साइन टेबल से देख के, या साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी इसका फंक्शन होता है, लेकिन कैलकुलेटर आपके लिए कोई काम का नहीं है, सामान्य कैलकुलेटर नहीं तो साइंटिफिक का मतलब नहीं है। हम तो साइंटिफिक से फटाफट इसको डेसिमल में बता देते हैं, या आप भी प्रैक्टिस टाइम में एक आध बार साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है, यूज़ करना आता है आपको। तो साइंस 60 डिग्री का वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर में सीधा हो जाता है 0.86660। ये मैं इतने प्लेस तक निकाल दिया, और 35 के लिए होता है 16 रहेगा 5736। दैट इक्वल, अब इसको डिवाइड करो। इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ी परेशानी होगी, कैसे करेंगे सर अब इसमें डिवीजन, तो लेंथी कैलकुलेशन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में जैसे आ भी जाए, रहने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें क्वेश्चन को यदि करेक्ट करके थोड़ा आसान करना चाहे तो कैसे कर सकता है, देखो सुनना ध्यान से। ऐसा नहीं कि डेटा आपको हमेशा यही वर्ड टू वर्ड देना, जैसे नीट वगैरह में जब ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का होता है, लेकिन वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को इजी करना हो तो साइन 60 डिग्री तो ठीक है, साइन 35 के जगह में इस क्वेश्चन में मैं यदि इसको क्या कर दूं, इसको 30 डिग्री कर दूं, मान लो इस क्वेश्चन में मैं इसको 30 डिग्री कर दूं, अरे इसको क्या हुआ, इसको मान लो मैं 30 डिग्री कर दूं, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री को फिर 1/√3 लिखो, 2 मिनट का काम है, वो हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/2, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो वहाँ पर काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपको डिफिकल्ट लग रहा है इसके कारण, तो उसमें परेशान मत होना। आपका काम क्वेश्चन के कैलकुलेशन पर फोकस नहीं होना चाहिए, आपका काम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पढ़ाते समय हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि आपका प्रिपरेशन इस क्वेश्चन के लिए नहीं है कि भाई मेरे से ये 4 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया से बन जाता है, ऐसा नहीं। उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था, उस क्वेश्चन से जो चीज़ आपको समझना था, सीखना था, वो सीखने का है। क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो कल के लिए जब कोई नया क्वेश्चन आएगा जिसमें ये एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इसके वैल्यू अलग अलग होंगे, तब आसानी से आप उसको बना लोगे। तो यहाँ पर इसके पीछे मैं ऐसा डिस्कशन आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा पोजिशन देखने के बाद वो मतलब निगेटिव आते हैं, कहाँ बनेगा ऐसा, डिवीजन कैसे कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, इजी वैल्यू भी दे। आपका फोकस क्वेश्चन समझने पर होना है, एक गुणा भाग पर नहीं है। इसी तो मैं कैलकुलेटर से सीधा उसका आंसर निकाल देता हूँ। आप सोचो इसको 30 डिग्री करूँगा, 2 मिनट का काम है, क्योंकि साइंस 60 भी आपको पता है और साइंस 30 भी आपको पता है, तो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं डेटा चेंज करके। ओके, फिलहाल तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड वैसे ही करेंगे। चलिए इसको मैं डिवाइड कर लूँ तो आंसर आ जाएगा 8.8660/1.18, ये आ गया एम यू जी का वैल्यू। ये पहला वाला फिगर हमने सॉल्व कर लिया। अब हम कहाँ से जा रहे हैं, अब एयर से। देखो एरो इधर है, ये एरो इधर है, आपको नहीं दिख रहा तो बता दो, यहाँ पर एरो इधर है, तो एयर से कहाँ पर जा रहे हैं, वाटर में जा रहे हैं, तो क्या निकालेंगे, एम यू डब्लू। यहां तो रूट पटांग एंगल दिया हुआ है, सब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से बना देता हूं, आप लोग साइन टेबल भी देखने का प्रैक्टिस कर लेना। बी कंडीशन जा रहे हैं किसमें, एम यू डब्ल्यू, एम यू डब्ल्यू, एम यू डब्ल्यू इक्वल टू 60 डिग्री साइन आई, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री। अब देखो 47 देखना ही पड़ेगा, एम यू डब्ल्यू साइन 60 तो अभी हमने पढ़ा है, 0. क्या था, 4666 कितना था, 60 डिग्री का वैल्यू 45 है फिगर में,
8660 और 47 7314। यदि आपको साइन टेबल देखना आता हो तो इसको एक बार आप साइन टेबल से चेक कर लेंगे। साइन टेबल अब अभी मैं कैसे बताऊं, उसके लिए चार्ट चाहिए। साइन टेबल से आसान है काम, दो मिनट का काम है साइन टेबल से देखना इसको। चलिए अब इसको हम डिवाइड करें तो क्या होगा, 1 point something आएगा। एग्जैक्ट कितना करें डिवाइड तो 1.51 आएगा। सुधारो इसको, 1.51 सेंटीमीटर आएगा। उसको डिवाइड करूं 0.73, 1 × 7 = 1.18 ये आएगा। अब हमको पता है कि यहाँ देखो, यहाँ पर क्या पूछा है, कांच और जल। तो हम कहाँ से जा रहे हैं, जल से जा रहे हैं, ये डायरेक्शन है इसका, ये डायरेक्शन है ऐसा। तो ये वाटर है, वो ग्लास है, तो निकालना है डब्ल्यू म्यू जी सी। डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू, डब्ल्यू म्यू जी का फार्मूला है एम यू जी अपॉन एम यू डब्ल्यू। आप फार्मूला में देखो, इसमें चैप्टर में देखो जो मैंने समझाया है, तो ये मैं आपको बताया था डब्ल्यू म्यू जी का फार्मूला ये होता है, दैट इम्प्लाइज। अब यहाँ पर देखो डब्ल्यू म्यू जी को, डब्ल्यू म्यू जी का जो फार्मूला होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि साइन आई अपन साइन आर, आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो डब्ल्यू म्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में 45 डिग्री दिया हुआ है और उसका हमको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है। तो डब्ल्यू म्यू जी को फिगर से लिख सकते हैं साइन आई, मतलब साइन 45 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण 45 अंश है, और इसको लिख सकते हैं साइन आर इक्वल एम यू जी का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है 1.51, और एम यू डब्ल्यू का वैल्यू निकाला है ये 1.18, ये निकाला है। तो अब हमको यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करना है आर का, यहाँ से हमको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ये हमको आर फाइंड करना है। यहाँ पर फिर उल्टा साइन टेबल को उल्टा देखना पड़ेगा, है ना। तो टेबल के हिसाब से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया समझ लो, क्योंकि हर वैल्यू ऐसी है, दैट इम्प्लाइज। अब आगे हम सॉल्व करें, साइन आर उधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो साइन आर इक्वल टू साइन 45 मतलब होता है 1/√2, तो 1/√2 मतलब 1/1.414, ठीक है। तो 1/1.414 कितना आएगा, 0.707। तो 0.707 1/√2 का वैल्यू है। वैसे आपको याद होगा IRMS जब निकालते हैं अपन अल्टरनेटिंग करेंट, 1/√2 को 0.707 लिखते हैं। तो ये इधर फिर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.18/1.51। Therefore साइन आर, अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन तो बहुत लेंदी है, सॉल्व करो 1.32 एम यू डब्ल्यू, एक सेकंड ना कैलकुलेशन को चेक कर रहा हूं मैं, 0.6660 डिवाइडेड बाय 0.7314।
एक भी डिजिट गड़बड़ होने से साइन का वैल्यू पूरा चेंज हो जाता है 1.48। (0.83) 1.51 डिवाइड ही कर देता हूँ। आप लोग बराबर उसका एक बार और चेक कर लेना, 0.5526 आ रहा है, 0.5526 इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर आर इक्वल टू, अब इसको क्या करते हैं सुनो, यहाँ पर इस वैल्यू के लिए एंगल देखना पड़ेगा, 0.55 के लिए एंगल देखना पड़ेगा, वो होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको साइन का वैल्यू, एक बार मैं चेक कर ही लेता हूँ, साइन 0.5527 38 डिग्री के आसपास आएगा, 38.2 ये अप्रोक्स वैल्यू भी चलेगा, इसका लगभग भी मान चलेगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, ये ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर मेन चैप्टर माने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम एम यू जी निकाले, फिर हम निकाले एम यू डब्ल्यू, और डब्ल्यू म्यू जी का ये फार्मूला यूज़ करने के बाद हम इसका वैल्यू निकालें, आर का वैल्यू निकालें। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा लेंदी है करके आप लोग को थोड़ा सा लगा होगा कठिन है ये। ओके, ये मैंने कंप्लीट एक जगह कर दिया इसको, तो ये आप वैसे आप पार्ट पार्ट नोट्स बना लो ना, पार्ट पार्ट उसको नोट्स बना लिया करो जब आप स्टार्टिंग में उसको शुरुआत से देखते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है, जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है, जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सके, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, बल्ब को बिंदु स्रोत मान लीजिए, ठीक है, 80 सेंटीमीटर की गहराई पर, ये स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्स आउट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। देखिए ये एक बहुत स्पेशल पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने कॉन्सेप्ट वाले क्लास में पढ़ा होगा मछली का दृष्टि क्षेत्र, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले ये समझा दूँ कि किस तरह का सिचुएशन है, देखिए पहले मैं आपको आर्टिकल थोड़ा समझा रहा हूँ और एक नया फार्मूला बताऊँगा, उसको ध्यान देना। ये सपोज वाटर का सरफेस है, इसको आप पानी का सतह मान लो, और यहाँ पर मछली है, मछली का आँख है या बल्ब है, जो भी सिचुएशन कैसा भी हो सकता है इस तरह से, और यहाँ पर ये जो एंगल ये पोजिशन बनता है इस तरह से, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल, यदि ये एंगल क्रांति कोण से ज़्यादा हो, जैसे जनरली क्या होता है वाटर के लिए हम 49 डिग्री मानते हैं, तो यदि ये क्रांति कोण के बराबर हो IC, तो इससे ज़्यादा कोण बना के जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं यहाँ से वो परावर्तित हो जाती हैं, ये इससे ज़्यादा कोण बना के जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी वो वहाँ से परावर्तित होती हैं, ये मैं यहाँ से ज़्यादा कोण बनाया तो यहाँ से परावर्तित हो गई, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका जो आपतन कोण का मान है क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, और हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो जाता है, तो ये वाला जो एरिया है वह दर्पण की भांति व्यवहार करता है, तो यहाँ पर एक आधार बनता है, कोनिक शेप यहाँ पर बनता है, एक शंक्वाकार क्षेत्र बनता है और उसका आधार वृत्ताकार होता है, ये इसकी ऊंचाई होती है, तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होता है
इसका जो एरिया होता है, इसको एरिया निकालने का यहाँ पर एक फिक्स फार्मूला है। ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उस फार्मूला को हम यूज़ करें तो बहुत आसानी से हमको यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। अदर अब ये क्वेश्चन को बहुत लेंदी बनाने पड़ेगा। पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस वन, पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस वन, ये इसका एरिया, ये जो एरिया आप यहाँ पर देख रहे हो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है। ये फार्मूला आप नोट कर लेना। यहाँ पर मछली का दृष्टि क्षेत्र भी कहते हैं, और यहाँ पर इस केस में क्या है, बल्ब है, यहाँ पर बल्ब है, ये इसका हाइट होता है जो क्वेश्चन में हमको दिया है कितना 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर लिखें गिवन, तो क्वेश्चन आप समझ गए किस तरह का सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो एच है वो 80 सेंटीमीटर है, एच इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, और हमको किसका ज़रूरत है, म्यू, तो म्यू का ज़रूरत है, म्यू का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना 1.33, ये दिया 1.33, और वहाँ पर आप देखो फार्मूला में ये दोनों का ज़रूरत है, वहाँ से एरिया काउंट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा जैसा है। ए इक्वल टू पाई एच स्क्वायर, तो वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ मैं 3.14 एच स्क्वायर, मतलब 80 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, और अपान म्यू स्क्वायर माइनस वन, माने 1.33 का होल स्क्वायर माइनस वन। अब इसको हमको सॉल्व करना है, 3.14 80 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूँ मैं, 80 का स्क्वायर तो 6400 हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 6400 अपान 1.33 का होल स्क्वायर, 1.33 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1.76 माइनस वन, ये होगा दैट इक्वल। आगे हम इसको सॉल्व करें, 3.14 में 6400 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 2.096 और अपान ये हो जाएगा 0.76। अब इसको डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा 2.6442, सॉरी यहाँ पर डेसिमल नहीं रहेगा ना, 0.1 इतना मिलेगा, और ये हमने अभी सेंटीमीटर में निकाला है तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि हम मीटर में लिखें तो डिवाइड कर देंगे 1000 का, क्योंकि स्क्वायर पर है, तो हो जाएगा 2.6 मीटर, ये इसका आंसर होगा। तो ये मैंने एक नया फार्मूला यूज़ करके बनाया है, वो फार्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको बोलते हैं मछली का दृष्टि क्षेत्र, एरिया विजन ऑफ द फिश, ओके, मीटर स्क्वायर, ये आप जरूर याद करके रखना, ये फार्मूला, इसी फार्मूला को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट, कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है, कोई प्रिज्म है अपने पास, उसका अपवर्तनांक हमको पता नहीं है, कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है, दैट इज डेल एम, न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, मतलब उसका अपवर्तनांक हमको पूछ रहा है। प्रिज्म का न्यूनतम अपवर्तन कोण 60 सेंस है, न्यूनतम अपवर्तन कोण जो है वो 60 डिग्री है, एंगल ए। यदि प्रिज्म को जल अपवर्तनांक 1.33 में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए, मतलब यदि प्रिज्म को क्या करें हम, जल में रख दें, जल के अंदर डाल दें, किसी पानी के में डाल दें जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए, मतलब जब वो एयर में है, जब एयर में है तो उसका न्यूनतम विचलन कोण कितना है, 40 डिग्री है, जब वह पानी हवा में है तो 40 डिग्री का उसके पास न्यूनतम विचलन कोण है, लेकिन उस प्रिज्म को हम क्या करें, पानी के अंदर डुबा दें, तो पानी के अंदर डुबा दें तो उसका विचलन कोण कितना हो जाएगा, ये बोलता है ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स
उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमको नहीं पता है। ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए फेस ऑफ प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज द एज्यूम टू 40 डिग्री, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मतलब दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, अपवर्तनांक। एंड सेकंड क्वेश्चन इज द रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर क्वेश्चन आ गया समझ में आपको। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट समझ में आने के बाद आप क्या लिखो, गिवन लिखो। तो दो कंडीशन में क्वेश्चन बनेगा ये। सबसे पहले देखो, जब प्रिज्म एयर में है तो एयर में होने के कंडीशन में, यहाँ पर मैं लिख दिया एयर में, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। क्लियर। इसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म को कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अपवर्तन कोण ये ए इक्वल टू 60 डिग्री है और हमको म्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना है। सेकंड कंडीशन में आप देखो कि जब वो क्या होता है, वाटर के अंदर होता है। अब यदि हम उसको वाटर के अंदर कर दें, ये सेकंड कंडीशन है, तो वाटर के अंदर करने पर वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू इक्वल टू 1.33, मतलब ए म्यू डब्ल्यू म्यू जी, अभी तो आप इसको म्यू ही लिखो, ये म्यू दिया हुआ है। और सेकंड कंडीशन के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म तो वही होगा, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमको क्या करना है, डेल एम डेस, ये डेल एम है, डेल एम डेस हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन आ गया समझ में। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में, ठीक है। तो प्रिज्म एंगल का जो फार्मूला होता है, हमारे पास प्रिज्म एंगल का जो फार्मूला होता है, नेक्स्ट पेज यूज़ करता हूँ, आप उसको ध्यान में रखना गिवन को, या तो फिर मैं बार बार वहाँ जाके आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन को। एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, सिंस ए इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू और अपॉन साइन ए बाई टू, ये फार्मूला होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का। तो पहला पार्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं, दैट इम्प्लाइज म्यू इक्वल साइन ए, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, प्लस डेल एम दिया है 40 डिग्री अपॉन टू और अपॉन ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन टू, ये क्वेश्चन में गिवन है। दैट इज पहला पार्ट तो बहुत आसान है, तो म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 40 50 100 अपॉन टू, ये हो जाएगा 50 डिग्री और अपॉन ये साइन 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर फिर वही जो बात मैं आपको बता रहा था कि साइन 50 डिग्री का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, तो साइन टेबल से देखना पड़ेगा साइन 50 डिग्री का वैल्यू, ये ए म्यू जी निकाल रहे हैं ना अपन, ए म्यू जी मतलब किसका अपवर्तनांक, प्रिज्म का, ये बराबर लिख लेना इसको, फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। तो ये 50 डिग्री 0.766 और ये साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5। ओके और इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर दें, डिवाइड कर दूँ, यहीं लिख देता हूँ इसका वैल्यू 1.532, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये हो गया पहला कंडीशन। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा है कि प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो यहाँ पर देखो प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एम यू जी इतना होगा, प्रिज्म के मटेरियल का, दैट मीन्स ग्लास का। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब यदि हम प्रिज्म को क्या करें, किसी वाटर में जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 है में डुबा देते हैं तो क्या होगा। तो सेकंड केस में हम यही फार्मूला दोबारा लगाएंगे, तो अब उसका वैल्यू दिया हुआ है, वाटर में डुबा दिए तो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू, यही फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस, अब वहाँ पर हम उसके न्यूनतम विचलन कोण को डेल एम डैस ले लिए, यहाँ पर हमने डेल एम लिया था जब वो एयर में था, अब वो वाटर के अंदर है और प्रिज्म का कोण तो वही रहेगा साइन ए बाई टू, दैट इक्वल वैल्यू पुट अप कर दें यहाँ पर, तो साइन ए तो 60 डिग्री होगा, ए प्लस डेल एम डैस, तो हमको उसका तो वैल्यू फाइंड करना है, अभी ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस डेल एम डैस अपन, अच्छा इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.33 और अपन साइन डायरेक्ट लिख दूँ 60 अपन ये 30 डिग्री हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज साइन, इसका भी वैल्यू पुट अप ही कर देते हैं,
वैल्यू सब का एक साथ पुट अप कर देते हैं, ये 60, तो साइन 60 प्लस डेल एम डैश इक्वल टू ये जा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.33 और ये होगा 1/sin 31/2 मतलब 0.5, ये हो जाएगा 0.5। दैट इम्प्लाइज साइन 60 प्लस डेल एम डैश इक्वल, ये मल्टीप्लाई कर लें अपन 1.33 यहाँ पर एक वैल्यू का मैं थोड़ा गलत पुट अप कर दिया ना, डब्ल्यू म्यू जी हमको नहीं दिया है क्वेश्चन में, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, यह है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब यह है एम यू डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू म्यू जी, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस फार्मूला से कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक मिनट यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये फार्मूला हमको चेंज करना पड़ेगा अभी, कैसे देखो, दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं हम डब्ल्यू म्यू जी को, डब्ल्यू म्यू जी को हम लिख सकते हैं एम यू जी अपॉन एम यू डब्ल्यू इक्वल साइन ए प्लस अपॉन टू ना सॉरी अपॉन टू लिखना भूल गया था अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू, इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन है वो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप देख रहे होंगे कि कई जगह में हम इस फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, ये फार्मूला है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है रिलेटिव मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक में चेंज करने का फार्मूला है, बहुत यूजफुल फार्मूला है, आप इसको देखेंगे तो चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से इसको पूरा डिराइव करके बताया था। चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट अप करें, दैट इम्प्लाइज तो एम यू जी अपने को पता है, वर्क बढ़ गया ना यहाँ पर 1.532 अपॉन एम यू डब्ल्यू, ये क्वेश्चन में दिया है तो 1.33 ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इक्वल यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं अपन, तो साइन ए मतलब 60 प्लस डेल एम डैश हमको फाइंड करना है अपॉन टू और ये अपॉन साइन ए अपॉन टू मतलब साइन 60 डिग्री, ओके दैट इम्प्लाइज हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से साइन 60 प्लस डेल एम डैश अपॉन टू इक्वल यहाँ पर देखो 1.532 और देखो यहाँ पर क्या होगा 0.5 होगा, ये साइन 60 1/2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 मतलब 0.5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0.5 और अपॉन 1.33 दैट इम्प्लाइज साइन 60 प्लस डेल एम डैश अपॉन टू इक्वल ये हम डिवाइड कर लेते हैं 0.5 इंटू 1.33 0.5759। इस चैप्टर में आप एक खास बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत हैं, इस तरह के कैलकुलेशन आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कमांड होना चाहिए, मैं तो कैलकुलेटर से आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, ये इसकी आप प्रैक्टिस करो, इस चैप्टर में ये है कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, साइन का ये वैल्यू देखना पड़ेगा कि साइन का किस डिग्री का, ये भी साइन टेबल से ही पता चलता है, साइन टेबल भी नहीं इसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एग्जाम में साइन टेबल दिया जाता है कॉम्पिटिटिव में तो प्रोवाइड नहीं करते, तो ये जो ये है वैल्यू इसका साइन टेबल देखना पड़ेगा कितने डिग्री का वैल्यू है, तो वहाँ से देखो मैं तो साइन टेबल से आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम अपॉन टू इक्वल 0.5759 35 अंश 10 मिनट का वैल्यू है, 35 डिग्री 10 मिनट
35 डिग्री 10 ये मिनट का साइन है, इसका वैल्यू है, ये आपको साइन टेबल से देखना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज, अब इसको ये साइन ना, साइन इतने का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू साइन इतने डिग्री का वैल्यू होता है 0.5759। अब दोनों तरफ से साइन हट जाएगा तो हो जाएगा 60 प्लस डेल एम अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ पर 35 डिग्री 10 मिनट। दैट इम्प्लाइज 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 60 प्लस डेल एम डैश इक्वल टू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 70 डिग्री हो जाएगा और 20 मिनट होगा। देयरफॉर डेल एम डैश इक्वल टू इसमें माइनस होगा 70 डिग्री 20 मिनट माइनस 60, तो डिग्री डिग्री के साथ माइनस होता है तो 10 डिग्री और ये हो जाएगा 20 मिनट। दिस इज सेकंड आंसर, 10 डिग्री 20 मिनट कितना है, 10 डिग्री 20 मिनट। तो ये दो आंसर इस में दो क्वेश्चन आपको पूछा था। देखिए पहला क्वेश्चन ये कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो ए म्यू जी पहला आंसर ये है, आंसर नंबर फर्स्ट। और इस आंसर के हेल्प से इसका दूसरा पार्ट निकलता है जहाँ पर हमको क्या निकालना है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बाद में, मतलब प्रिज्म को यदि हम पानी में डुबा दें तो उसका न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इस तरह के कैलकुलेशन में आपको परेशान नहीं होना है। जहाँ तक ये डिग्री का बात है ये साइन टेबल से ही पता चलेगा, तो बोर्ड एग्जाम में साइन टेबल मिलता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा नहीं। या यहाँ पर ऐसा एडजस्टमेंट रहेगा कि यहाँ पर डिग्री प्रॉपर, जैसे 45 डिग्री आ गया यहाँ पर, तो 45 मतलब यहाँ पर आ गया समझ लो ये 1/√2 आ गया, मान लो इसका वैल्यू 1/, समझ लो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को ऐसा सेट कर दिया कि यहाँ पर 0.5 आ गया, 0.5 माने 1/2 या 0.707 आ गया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, 1/√2 हो गया। तो 45 फिर यहाँ पर साइन टेबल नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप 45 लिखोगे और 45 के साथ उसी हिसाब से फिर साल्व कर दोगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एंगल उटपटांग मिले जिसका वैल्यू आपको पता ना हो। तो मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन में एक बात समझा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट को कैच करो, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि इस तरह के क्वेश्चन बनेगा कैसे। ये डिग्री के पीछे मत जाओ कि 50 डिग्री आया तो कैसे करूँगा, 50 डिग्री की जगह 60 आ गया तो मैं इसको ऐसा एडजस्ट कर दिया कि 60 प्लस 60 कर दिया तो या तो 60 आ जाएगा, फिर साइन 60 का वैल्यू आपको पता है, वहाँ पर आप पुट अप कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पर ये एंगल आए हैं उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बेसिकली आपको मेथड को समझना है कि क्वेश्चन का थीम क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, कि हमारे पास एक प्रिज्म है एयर में रखा है, उसका उस प्रिज्म को हम पानी में डुबा दिए, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो जब उसका हवा में विचलन कोण इतना था तो पानी के अंदर डूब जाएगा तो विचलन कोण कितना होगा, ये मेथड आपको समझना है, उस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, ठीक है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट को फिजिक्स न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले बहुत ही ध्यान से उसको आप रीड करो और फिर गिवन लिखो कि मुझे क्वेश्चन में भाई दिया क्या है, फिर आपको अपने आप पता चलेगा कि मुझे फाइंड क्या करना है। ये दोनों चीज़ पता चल गया तो आपको फार्मूला दिमाग में आएगा कि भाई ये फार्मूला में ये सब आते हैं, है ना। तो वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तर लेंस निर्मित करते हैं, यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं, मान लो हमको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस बनाना है तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वो बनाना है तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए। डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विथ बोथ फेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ टू बी 20 सेंटीमीटर। लिख लो भाई सबसे पहले गिवन क्या क्या आपको दे दिया, क्वेश्चन में आपको दे दिया अपवर्तनांक उसका मतलब म्यू इक्वल 1.55, समान वक्रता त्रिज्या मतलब R1 इक्वल टू R2, लेकिन एक का निगेटिव होता है एक का पॉजिटिव, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, R1 को भी R लिख लिया और R2 को लिख लेंगे क्या -R, क्योंकि एक वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का निगेटिव होता है।
फोकस दूरी F, F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल है, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं ना निर्मित करने के लिए। अपवर्तनांक के फल को यह समांतर त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस दोनों साइड क्या है, कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, तो प्लस में होगा ये, प्लस लिखने जरूरत नहीं होता फिर भी अपन लिख देते ये। अब इसको सॉल्व करो, तो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला अप्लाई होगा, 1/R1 - 1/R2 वाला। तो सिंस अपने को पता है म्यू माइनस वन, 1/F लिख दूं पहले, लेंस निर्माता का सूत्र लगेगा यहाँ पर, 1/F इक्वल म्यू माइनस वन इंटू 1/R1 - 1/R2, ये फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, F दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, R1 R2, उसमें से एक R को हमको फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू पुट अप करो, दैट इम्प्लाइज 1/F मतलब 1/20 इक्वल, इसका वैल्यू दिया है 1.55 - 1, और ये हो जाएगा एक 1/R और माइनस 1/R, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1/20 इक्वल, ये इसे माइनस होगा तो 0.55 और इंटू 0.5 इंटू यहाँ पर प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2/R, ओके 2/R हो जाएगा। अब उसको हम उधर ट्रांसफ़र कर लें, दैट इम्प्लाइज R हमको चाहिए तो हम यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है, R को, और 20 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R इक्वल टू हो जाएगा 0.55 इंटू 2 और इंटू 20, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R सबको मल्टीप्लाई कर दो, 0.55 इंटू 2 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22, ये डेसिमल है ना ध्यान रखना, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसके कैलकुलेशन में आपको मज़ा आया होगा नहीं, इसके कैलकुलेशन मज़ा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कुछ खास बातों को जो हमको ध्यान देना है वो क्या है, देखो पहली बात ये ध्यान देना है कि ये माइनस होता है, दूसरा यहाँ पर ये इस तरह से, ये इस तरह का क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों एग्जाम में आ सकता है जिसमें कैलकुलेशन लेंदी नहीं होता, कैलकुलेशन लेंदी नहीं होता, कैलकुलेशन शार्ट होता है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है, कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, तो दो कंडीशन दिया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है पहले, दूसरा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगा, अभिसारित होना मतलब कन्वर्ज होना, ठीक है, अभिसारी, अभिसारी मतलब कन्वर्ज होना, मतलब एक जगह इकट्ठा होना, अपसारी मतलब फैलना, डाइवर्ज होना। देखो इंग्लिश में स्टेटमेंट क्या है, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट ए पॉइंट पी, प्रकाश का बीम मतलब बहुत सारा जो प्रकाश है वो एक पॉइंट पर आके क्या हो जाए, कन्वर्ज हो रहा है, दिस इज प्लेस्ड इन द पाथ इफ द कन्वर्जेंट 20 सेंटीमीटर एट पॉइंट, और सेकंड कंडीशन में दिया है 20 सेंटीमीटर इसके लिए, ठीक है 16 सेंटीमीटर के लिए। तो यहां पर देखो सिचुएशन कैसा है, मैं आपको पहले आपको थोड़ा सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं कि लाइट क्या है, कन्वर्ज हो रहे हैं, ये लाइट बीम है इस तरह से, और ये क्या है किसी पॉइंट पर इस तरह से ये कन्वर्ज हो रहे हैं, ये पी पॉइंट है, और हमको यहाँ सामने लेंस लगाना है, यहाँ हमको एक बार, इस बार कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करता है, एक बार कॉनकेव लेंस के बारे में बात करता है, इस तरह से ए पॉइंट पी है, सिचुएशन इस तरह का है, ठीक है। तो ये सिचुएशन को आपको ध्यान रखना कि पॉइंट एक पॉइंट पर फोकस हो रहे हैं पॉइंट। चलिए तो गिवन लिख लें पहले, क्या क्या दिया भाई आपको क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर P से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा U का वैल्यू,
12 सेंटीमीटर ना, किस तरह का लेंस है। इसके बाद दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन के अलग अलग सॉल्व कर लें, दो कंडीशन के अलग अलग सॉल्व कर दें, कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। पहले ए कंडीशन के लिए, ए कंडीशन में क्या दिया हुआ है देखो, 20 सेंटीमीटर फोकल उत्तर लेंस, तो फोकल लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 20 उत्तर लेंस है ये, तो उसके लिए हमको ज्ञात करना है। यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है एफ, ठीक है। तो कहाँ पर रखना चाहिए, इमेज कहाँ पर बनेगा निकालना है, डायरेक्ट अपन लेंस फार्मूला लगा देते हैं। सिंस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर u को आप प्लस लोगे क्योंकि क्या है वो दूसरे साइड में है, लेंस के दूसरे साइड में उसको इमेजिन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना साइन कन्वेंशन प्रॉपर लगाना, 1/f 1/20 इक्वल 1/v माइनस 1/12 होगा, दैट इंप्लाइज 1/v इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 1/20 प्लस 1/12 दैट इंप्लाइज 1/v इक्वल टू 60 एलसीएम आएगा, 23 या 3 और ये 5, दैट इंप्लाइज 1/v इक्वल टू 8/60। देयरफॉर इसको सॉल्व कर दें तो 2 से करेंगे तो 2 4 2 30 2 2 2 15, मतलब 2/15 तो v इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है बस, है 7.5 सेंटीमीटर। 2/15 को रेसिप्रोकल करें, 15/2 7.5, क्या आता है फर्स्ट आंसर, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला कंडीशन में ये हमने लिया किसके लिए, 20 के लिए। सेकंड कंडीशन मतलब 16 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है। सेकंड कंडीशन में देखो, नाउ सेकंड कंडीशन u इक्वल टू तो 12 ही होगा, लेकिन इसका फोकल लेंस हो जाएगा माइनस 16 सेंटीमीटर होगा, कॉनकेव है इसलिए। तो देयरफॉर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस 1/16 इक्वल टू 1/v माइनस 1/12, देयरफॉर 1/v इक्वल टू, ट्रांसफर करो, माइनस 1/16 प्लस 1/12, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 48। देयरफॉर 1/v इक्वल टू, आसान क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन आसान है दोनों पार्ट, 48 तो माइनस 3 प्लस 4, देयरफॉर 1/v इक्वल टू 1/48 तो v इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, कितना आंसर दिया है, 48 सेंटीमीटर, ओके। तो 48 सेंटीमीटर सेकंड कंडीशन में हो जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए 7.5 और कॉनकेव लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव के लिए है, और पहले वाला क्या था, ये कॉन्वेक्स के लिए था, ये जो कंडीशन था वो कॉन्वेक्स के लिए था, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, ठीक है। हिंदी में जाने वाले स्टूडेंट इतना लैंग्वेज को समझना है ना, एकदम हिंदी रहने से दिक्कत है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बीम 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बीम लेंस से दूर हटती जाती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाई द लेंस, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। वो तो दूर जाने का कंडीशन आपको सब पता है किस तरह से होता है। सबसे पहले गिवन लिख लो, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बीम, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, फोकल लेंथ इज माइनस 21 सेंटीमीटर क्योंकि लेंस क्या है, अवतल है, कॉनकेव है, 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है,
यू इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज आल्सो माइनस, यू का वैल्यू माइनस होगा, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, ठीक। ये अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम यू निकाल लेते हैं, ठीक है, यू निकाल लें। यू निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे, उसका कंपेयर कर देंगे। तो बीम लेंस से दूर हटती है, लेंस द्वारा निर्मित बीम, बीम मतलब इमेज ना, ये ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम में ध्यान देखना। व्हाट हैपेंस, ये डिस्क्राइब द इमेज, हिंदी में बीम बोलने से अजीब लगता है, चलो प्रतिबिंब है वो, इमेज, इमेज क्या है, प्रतिबिंब, यहाँ पर बोला है बीम कहीं पर, ये बीम, बीम माने ऑब्जेक्ट है, और निर्मित प्रतिबिंब मतलब आई चाहिए अपने को। चलिए फिर क्वेश्चन फार्मूला लगा दें अपन, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू, एफ का वैल्यू माइनस वन अपान 21 इक्वल वन अपान वी, वन अपान वी, और ये माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस वन अपान 14, ठीक है, डायरेक्ट मैंने प्लस कर दिया इसको। देयर फोर वन अपान वी इक्वल टू माइनस वन अपान 21 माइनस वन अपान 14, देयर फोर वन अपान वी इक्वल टू, ये एलसीएम 14 और 21 का एलसीएम 42 आएगा, है ना, 21 दूनी 22 14 सी 42, ठीक ठीक 42 ही आएगा, 42 लघुत्तम आया इसका, तो दोनों माइनस है, ठीक है, कितना आंसर आता है इसका, चलो डिवाइड करने से पता चलेगा, माइनस 21 दूनी 42, माइनस 2 और माइनस 3, देयर फोर वन अपान वी इक्वल टू माइनस 5 अपान 42, तो वी इक्वल टू माइनस 42 अपान 5, दैट इक्वल 42 अपॉन 5 8.4 माइनस 8.4 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इमेज का पोजीशन, इमेज का पोजीशन निकालने से क्या फ़ायदा, इमेज का दूरी हो गया प्रतिबिंब का, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमको पूछा है प्रतिबिंब का वर्णन करना है, तो आई निकालना है, तो रैखिक आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाता है अगेन, चूँकि एम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू, लेंस के लिए, ठीक है, वी अपान यू, वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, दैट इम्प्लाइज लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 3 दिया है मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर ना, तो 3 हो जाएगा, दैट इक्वल वी, वी का वैल्यू क्या निकाला, 8.4 अभी निकाले अपन, 8.4, और u का वैल्यू, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, उसका वैल्यू है 14, ये 14, देयर फोर आई इक्वल 8.4 इंटू 3 अपॉन 14, सॉल्व करो इसको, 8.4 इंटू 3 अपॉन 14, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, ये उसके प्रतिबिंब का साइज होगा, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और आसान क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, रेड सेलेक्ट हो जा भाई, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, फोकस दूरी 30, लेंस उत्तर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस के संयोजन से बने, ओ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है कि फोकस दूरी क्या होगी, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये, यह तंत्र अभिसारी है अथवा अपसारी ये भी बताओ, लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, ओके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर बेस्ट क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं लेंस का समूहन पर, आगे और भी है क्वेश्चन इस पर। तो किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल, दैट मीन्स एफ वन इक्वल टू कितना होगा 30 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर के अवतल, तो एफ टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20, चिन्ह सहित अपन मान को रखेंगे, ये फोकस दूरी क्या होगी कंबाइंड, तो हमको एफ फाइंड करना है दोनों का कंबाइंड फोकस दूरी, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला है अपने पास इसके लिए क्या, वन अपान एफ इक्वल टू
वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू, दैट इम्प्लाइज वन अपान एफ इक्वल वन अपान एफ वन मतलब वन अपान थर्टी, और इसका वैल्यू पुट कर देंगे विथ साइन तो माइनस वन अपान ट्वेंटी, दैट इम्प्लाइज वन अपान एफ इक्वल टू लघुत्तम कितना आएगा साठ, और ये हो जाएगा ट्वेंटी माइनस ये तीस दूनी साठ ना बीस तीस साठ ये थर्टी, अरे क्या मैं भी टू ना और थ्री माइनस वन अपान सिक्सटी, देयर फोर वन अपान एफ इक्वल टू माइनस वन अपान सिक्सटी, देयर फोर एफ इक्वल टू माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर, और चूंकि साइन निगेटिव है तो कैसा होगा कॉनकेव, वो क्वेश्चन में बोला है ना कि उसका सिस्टम कन्वर्जेंट क्या होगा, किस तरह का लेंस में बोला है तो कॉनकेव लेंस होगा, माइनस सिक्सटी और लेंस इज अपसारी मतलब कॉनकेव, ओके। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आज के फर्स्ट पार्ट में आपको कराया। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है नियर अबाउट 35-37 के आसपास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है रे ऑप्टिक्स में, क्योंकि इसमें आपको मतलब परावर्तन का भी पढ़ना है, दर्पण का, लेंस का भी पढ़ना है, अपवर्तन का, इसी न्यूमेरिकल्स में, इसी में प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, इसी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे, प्रकाशीय यंत्र का, तो तीन या चार पार्ट में इसका मैं मैक्सिमम हो सके तो थ्री पार्ट में मैं इसके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, इसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहला पार्ट है 10 क्वेश्चन लिया, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लेके आऊँगा इसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में भी उसके क्वेश्चन करेंगे, ओके। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, और आप लोग को मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम आप लोग के पास हैं, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरे को ध्यान में रहता है, तो एग्ज़ाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फिजिक्स के 100% न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूँ, और पूरे न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी के बेस पर तैयार करा दूं। तो आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे यदि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को प्रॉपर कर लेते हैं तो आई होप आप अपने बोर्ड में अच्छा कर लेंगे, ओके, थैंक यू।